हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में भारतीय जनता पार्टी की गुरुवार को जिला बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संभावित प्रत्याशियों पर भी विचार किया गया। बैठक में संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने की भी बात सामने आ रही है। बैठक में भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, चुनाव से संबंधित प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, जिला संगठन पदाधिकारी, विधायक और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित थे। सुबह 9 बजे से ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जिले भर से पदाधिकारी एसोसिएशन के भवन में पहुंच गए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। बिना रजिस्ट्रेशन भवन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। बैठक में शुरुआती मिनटों के लिए मीडिया को भी प्रवेश दिया गया, लेकिन जैसे ही संभावित प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा होने लगी तो उससे पहले मीडिया को भी आभार प्रकट कर जाने का निवेदन किया गया। सूत्र यह बताते हैं कि भाजपा ने जालौर जिले से संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पैनल को तैयार कर जयपुर चुनाव प्रबंधन समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर विधानसभा संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाएगी। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।